हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसकी लास्ट एक्सरसाइज 2.4। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इस एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे सारा कुछ एक्सप्लेन किया है इस एक वीडियो में आपको। तो सारा कुछ कॉपी और पेन लेकर आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है, और जो टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ उनको फॉलो करना है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और नंबर ये जो दिए हैं ये इसकी क्या है, जीरोज हैं। तो हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। जीरोज और उसकी कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, और ये भी वेरीफाई करना है कि ये इसकी जीरोज हैं या नहीं है। तो पुट करके देखना पड़ेगा। पुट करेंगे वैल्यूज ये तीनों इसमें पॉलिनोमियल में, अगर वो जीरो आंसर आ जाता है तो मतलब उसकी क्या है, वो जीरोज हैं। तो पहले इसके पॉलिनोमियल का नाम नहीं था तो मैंने पी एक्स इसको नाम दे दिया। तो पहली जीरो किसके लिए चेक करना है, 1/2 के लिए चेक करना है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। सो 2 × 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट्स। ठीक है, 1/8, 1/4 हो गया, माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, देन यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। सो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। सो टेक एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 माइनस 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 प्लस 1 × 4 = 4, 4 × 2 = 8। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 1 + 1 = 2, 2 + 8 = 10, 10 − 10 = 0, 0/4 = 0। तो मतलब 1/2 क्या है, इसकी 0 है। ओके, नेक्स्ट के लिए चेक करना है 1 के लिए। सो हम P1 निकालेंगे। सो P1 मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दीजिए। सो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करो, 2 आ गया प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, सॉरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया, वेरीफाई हो गया। तो 0 आ गई, मतलब 1 क्या है, इसकी 0 है। माइनस 2 के लिए भी सेम वे से चेक करेंगे। माइनस 2 के लिए जहाँ जहाँ x है वहां वहां माइनस 2 पुट कर दो। माइनस 2 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 5 × −2 प्लस 2। ओके, सो सॉल्व करो पहले ब्रैकेट्स। माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस 2। यहाँ पर आ गया 2 × −8 माइनस 16, ये कितना हो गया, 4 प्लस 10 14 प्लस 2 16, तो माइनस 16 प्लस 16 कितने हो गए, 0 हो गए। तो पहले तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों क्या है, इसकी जीरोज हैं। अब हमें वेरीफाई करना है जीरोज और उसके कॉफिशेंट्स के बीच में रिलेशनशिप। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्यूबिक जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके साथ कंपैरिजन करके हमें पहले ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। सो देखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए कहलाता है, सो ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी 1, सी की वैल्यू होगी माइनस 5 और डी की वैल्यू होगी 2। पहले इसके साथ कंपैरिजन करके पॉलिनोमियल से ए बी सी डी की वैल्यूज को निकाल लिया। अब हमारे पास क्यूबिक में 3 जीरोज होती हैं, उसका नाम होता है अल्फा बीटा गामा। सो अल्फा बीटा गामा हमें दे रखे हैं, अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है और गामा क्या है, माइनस 2 है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसमें सम ऑफ जीरोज। क्या मतलब है सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है। तो लेफ्ट साइड क्या कहती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास माइनस 1/2 आ रहा है।
अब फॉर्मूले में जो भी वैल्यू मैं पुट करूँ वो भी यही आना चाहिए, तब वेरीफाई हो जाएगा। माइनस बी, बी की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। सो बी की वैल्यू है 1, 1 पुट कर दी, ए की वैल्यू है 2, तो माइनस 1/2 आ गया। सो ये देखो वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। दूसरी चीज इसमें निकाली जाती है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, दो दो का पेयर बनाकर, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है, दो दो का पेयर बना के इसका फॉर्मूला आता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये हम पुट करेंगे वैल्यूज, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय -2, देन -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, पुट करने पे, सॉल्व करने पे हमारे पास -5/2 आ रहा है। बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करने पे भी सेम आना चाहिए, c की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 2, पुट करने पे भी सेम आ रहा है, ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड थिंग इसमें फाइंड आउट होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला होता है -d/a। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 कैंसल, प्रोडक्ट कितना आया -1। इसमें पुट करो माइनस डी मतलब -2 हो गया, डिवाइडेड बाई ए, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 कैंसल, -1 आ गया। सो ये देखो ये भी क्या है, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपको जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा सिंपल है, देखो क्यों। सबसे पहले पॉलिनॉमियल गिवन है, इसका नाम गिवन नहीं था तो मैंने पहले इसका नाम रख दिया, ये पी एक्स, ठीक है। इसकी तीन जीरोज हैं, 2, 1, 1, तो 2, 1, 1 मतलब हमें पी टू के लिए चेक करना है और पी वन के लिए चेक करना है सिर्फ। सो पी टू के लिए चेक कैसे करा, एक्स की जहाँ जहाँ वैल्यूज थी वहाँ वहाँ एक्स की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। पुट करने पे 0 आ गया, मतलब ये 0 है, इसके वेरीफाई करना है ना हमें। देन 1 पुट करा तो भी 0 आ गया है। ये आप सिंपल प्रोसेस है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने वेरीफाई कर दिए कि ये इसकी जीरोज हैं, तो 2 भी 0 है, 1, 1 भी इसकी जीरोज हैं। देन मुझे वेरिफिकेशन करने के लिए क्या बताया मैंने, कि कंपैरिजन करके पहले ए बी सी डी की वैल्यूज निकालो। तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 आ गई, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू +5 और डी की वैल्यू -2 आ गई। पहले तो ये हो गया। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अब ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, अल्फा 2, बीटा 1, गामा 1। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4। फॉर्मूले में पुट करने से भी 4 आना चाहिए। माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, माइनस बी की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी 1, पुट करने पे 4 आ गया, दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब यहाँ पर 2 × 1, 1 × 1, 1 × 2 वोट करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है एस पी का 5। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाए हुए हैं एस पी, तो इसका आंसर है 5। अब इसका फॉर्मूला है सी बाई ए, यानी कि सी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 1। सो आंसर आ गया 5, बराबर आ गए दोनों, ठीक है। लास्ट इज प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, 2 × 1 × 1, 2 आ गया। फॉर्मूले में पुट करने से भी 2 ही आना चाहिए। माइनस डी अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है, D क्या है -2, -2, A क्या है 1, सो आंसर आ गया 2। तो ये दोनों भी देखो वेरीफाई हो गए। सो हैंस लिखेंगे हम दिस वेरीफाइड है ये जीरोज और कोफिशियंट्स के बीच में रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हमें एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनाना है, इसका सम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ये हमें गिवन है। तो हम इसका मतलब क्या है, सम गिवन है, यानी कि सम है हमारे पास यहाँ पर 2, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन एट अ 2 एट अ टाइम, तो एस पी का है वैल्यू यहाँ पर -7 और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज क्या है यहाँ पर -14। पहले तो ये लिखना है क्वेश्चन से देखकर। अब हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा जीरोज होते थे, तो अगर जीरोज गिवन होते थे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होते थे, तो हम जनरल क्या बनाते थे, x² - sx + p, इस तरह से फटाफट से s और p की वैल्यू पुट करके हम एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना देते थे। ऐसे ही फॉर्मूला होता है क्यूबिक बनाने का भी, मतलब k कांस्टेंट है, सबसे पहले x³ लिखेंगे, फिर माइनस, यहाँ पर s का मतलब है सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करनी है, साथ में x² प्लस, साइंस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है।
वहां पर माइनस प्लस था, यहाँ पर माइनस प्लस और एडिशनल एक माइनस। अब यहाँ पर पहले सम पुट करना है साथ में एक्स स्क्वायर, फिर एसपी, एसपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, साथ में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप देखो जनरल फॉर्मेट क्या होता है आपका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो पहले क्या होती है, एक्स क्यूब वाली टर्म होती है, फिर एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कॉन्स्टेंट वाली। ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। पहले क्या लिखना है, एक्स क्यूब ये लिख दिया मैंने, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, टू है यहाँ पर, तो टू एक्स स्क्वायर बन गया। प्लस एस पी, एस पी की वैल्यू कितनी है, माइनस सेवन, तो यहाँ पर माइनस सेवन पुट कर दिया साथ में एक्स। माइनस प्रोडक्ट, माइनस प्रोडक्ट मतलब माइनस माइनस फोर्टीन, ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ से। तो इसको सही करके लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर्टीन, और के की वैल्यू आप यहाँ पर वन मान लो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ पर है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन ए माइनस बी ए ए प्लस बी, हमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये पहले पॉलिनोमियल गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसका नाम देकर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमारा जनरल वैसे क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। बट यहाँ पर अगर हम ए और बी इस तरह से यूज करेंगे ना, तो ये भी ए और बी स्मॉल अल्फाबेट्स ही हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो बेटर है हम अपनी जो जनरल वाली है उसमें जो लेटर्स हैं वो कैपिटल कर लें। अब इसमें तो क्वेश्चन में तो चेंज नहीं कर सकते, सो इसमें तो चेंज कर सकते हैं, तो जनरल वाली हम ये बना लेते हैं ताकि हम यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज को निकाल सकें। सो ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू है माइनस थ्री, सी की वैल्यू है वन और डी की वैल्यू भी है वन। कंपैरिजन करने पे हमें ये मिल गया। अब मैंने यहाँ पर ध्यान रखना ए बी सी डी क्यों कैपिटल किया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर स्मॉल ए बी अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, तो अगर सेम करूंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ऐसे किया है। सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। वॉट इज द सम ऑफ जीरोज, ये इसकी तीन जीरोज गिवन है, यानी कि अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू है ए और गामा की वैल्यू है ए प्लस बी। यही मतलब है इसका, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब कैपिटल यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पुट करो वैल्यूज, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू है ए प्लस ए प्लस बी, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पुट करो माइनस माइनस थ्री अपॉन वन। यहां से आप क्या कैंसिल कर सकते हो, बी बी कैंसिल हो जाएगा, सो बचा क्या मेरे पास, थ्री ए इज इक्वल्स टू थ्री, सो ए की वैल्यू आ गई वन। सो देखो हमने कितने इजी वे से इसको कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड चीज इसमें यूज करेंगे बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप चाहे तो एस पी वाला भी यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो अगर आपका प्रोडक्ट से काम चल रहा है तो आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो यहाँ पर। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। माइनस डी मतलब माइनस वन अपॉन वन हो गया। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास ए की वैल्यू है, तो वो पुट कर सकते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करो, वन माइनस वन पुट कर दी, ए की वैल्यू वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन माइनस वन, वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। इस वन को भी उधर ले जाओ, वन माइनस इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन। यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ये कैंसिल हो गया, सो बी की वैल्यू है यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट टू। सो ए की वैल्यू है वन और बी की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट टू। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको फोर मार्क्स में जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर में से। तो यहाँ पर है इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी पावर देखो कितनी है, फोर, तो मतलब इसकी चार जीरोज होनी चाहिए। तो इसकी दो जीरोज हमें गिवन है, दो कैसे हैं, अब देखने को तो ये एक लग रही है बट ये टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री है, तो यानी कि एक जीरो है इसकी टू प्लस अंडर रूट थ्री और दूसरी जीरोज है
2 माइनस अंडर रूट 3। पहले तो यही कंफ्यूजन हो जाती है, देखने को तो ये एक लग रही है तो दो है ना, क्योंकि साइन अलग अलग है, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लिख लो एक बार माइनस लिख लो। पहले तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दो जीरोस मिल गई हमें, अब हमें बाकी की दो जीरोस को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला हमें काम करना है इन दो जीरो से हमें एक क्वाड्रेटिक बनाना है। सो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना होगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, दोनों का ऐड कर दिया, रूट 3 कैंसिल, सम ऑफ जीरोस कितना आया, 4 आया। देन वी हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, आंसर इज 1। सो सम जीरोस का है 4, प्रोडक्ट जीरोस का है 1। अब यहाँ से हम जनरल कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ऐसे लिखते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सो वी गॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यों बना रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ताकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इससे मैं, इस पॉलिनोमियल को इससे मैं क्या कर सकूं, डिवाइड कर सकूं, और वहां से मुझे एक और क्वाड्रेटिक मिल जाए और वहां से मैं दो जीरोस निकाल सकूं। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहले क्या किया, जो दो जीरोस हमें गिवन थी हमने उसमें से सम और प्रोडक्ट निकाला एंड वी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, सो वी आर डिवाइडिंग। सो यहां से सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को कॉपी कर लो, एक्स 4 6x क्यूब 26x स्क्वायर 138x माइनस 35। यहां से बाहर ये वाला पॉलिनोमियल लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब जिसको ये डिवीजन एल्गोरिदम सीखना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर, अगर नहीं आता है तो वहां से जाकर सीख सकते हैं। सबसे पहले x के स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है। सो वी मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, इस पूरी टर्म को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो x की पावर 4 हो गया, देन माइनस 4x क्यूब हो गया, देन प्लस x स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइंस चेंज करेंगे, यहाँ पर x की पावर 4 कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 4 यानी कि माइनस 2 बचा, माइनस 2x क्यूब, माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27x स्क्वायर, साथ में 138x आप नीचे उतार लो। ठीक है, यहाँ से ओके। अब मुझे क्या बनाना है, x स्क्वायर को माइनस 2x क्यूब बनाना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो बन गया माइनस 2x क्यूब, देन माइनस 4x इंटू माइनस 2x कितना हो गया, प्लस 8x स्क्वायर। ओके, प्लस 1 इंटू माइनस 2x माइनस 2x, साइंस चेंज। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, माइनस 27 और माइनस 8 कितना हो गया, 35x स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ, 140x, देन माइनस 35 मैंने यहाँ पर नीचे उतार लिया। ठीक है, अब मुझे x स्क्वायर को माइनस 35x स्क्वायर बनाना है। सो सिंपली माइनस 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस 35x स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 35 कितना होता है, 140x होता है। ठीक है, प्लस 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35 होता है। सो ये साइंस चेंज, तो तीनों टर्म्स कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। वन मोर थिंग, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अगर बच रहा है तो आपके डिवीजन प्रोसेस में गलती है या ये जो क्वाड्रेटिक आपने बनाया है वो गलत है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से डिवीजन करने के बाद ये मिल रहा है ना, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसकी हेल्प से मैं इसकी बाकी की जीरोस निकाल लूंगी। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो। सो फैक्टर्स बनाओ, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 7 और 5, सो माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से x माइनस 7 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन लिया, सो वी गॉट x प्लस 5 एज अ फैक्टर एंड x माइनस 7 एज अ फैक्टर। सो x की वैल्यू है माइनस 5, यहां से x की वैल्यू है 7। ठीक है,
तो ये है इसकी बाकी की दो जीरोस. सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. अब यहाँ पर पॉलिनॉमल गिवन है, इसको डिवाइड करना है बाय अनदर पॉलिनॉमल. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें के वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है. ठीक है, तो पहले इसको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर गिवन है हमें, तब हमें के और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. राइट, अब यहाँ से डिविजन प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मल करते हैं. सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर फोर बनाना है. सो विल मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर, सो एक्स की पावर फोर हो गया. देन माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स क्यूब हो जाएगा. प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर साइंस में चेंज करूंगी तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई. माइनस सिक्स प्लस टू कितना हो गया, माइनस फोर एक्स क्यूब. ठीक है, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली बन गया 16 माइनस के, है ना. तो हम इसको ब्रैकेट में लिखकर 16 माइनस के एक्स स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे. राइट, माइनस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, साथ में हम यहाँ पर माइनस 25 एक्स नीचे ले लेते हैं. ओके, अब यहाँ पर मुझे सेकेंड बार क्या बनाना है, माइनस 4 एक्स क्यूब बनाना है. किसको बनाना है, एक्स स्क्वायर को. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को मैं माइनस फोर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर एक्स क्यूब बन जाएगा, फोर एक्स क्यूब बन गया. अब यहां पर माइनस टू एक्स इंटू माइनस फोर एक्स क्या बन गया, प्लस का एट एक्स स्क्वायर. सो यहां पुट करो एट एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी. के इंटू माइनस फोर एक्स, माइनस फोर के एक्स हो गया, ये एक्स वाली टर्म के नीचे आ गई. ठीक है, साइंस मैंने चेंज कर दिए सब सारी, ये टर्म कैंसिल हो गई. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, इनको कैसे सॉल्व करना है, 16 माइनस के माइनस एट, रफ में करके देख लो, 16 माइनस एट माइनस 16 माइनस के माइनस एट, तो बचा कितना 8, है ना. 16 माइनस एट एट रह गया, 8 माइनस के, सो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. ओके, यहां से देखो इसको इस कैसे सॉल्व करोगे, माइनस का 25 है, माइनस का 4k है, सो सॉरी प्लस का 4k है, सो यहां पर आएगा 4k माइनस 25, है ना. ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो माइनस 25 प्लस 4k, एक ही बात है. 4k माइनस 25 ज्यादा सूटेबल लग रहा था तो मैंने इस तरह से लिख दिया 4k माइनस 25 और कॉमन ले लिया x. ओके, अब लास्ट टर्म हमारी 10 है तो इसको हम नीचे यहाँ पर ले लेते हैं. अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया. अब दूसरी बार माइनस 2x को 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो करके देख लेते होते हैं रफ में, माइनस 2x को 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है मुझे, माइनस 16x प्लस 2xk. ओके, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ, सो वी हैव माइनस 16, अगर मैं x को कॉमन ले रही हूँ तो क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस 16 प्लस यहाँ पर 2k, यहाँ फिर इसको लिख सकते हो 2k माइनस 16 इंटू एक्स. ओके, तो मैंने क्या किया, बेसिकली मुझे क्या करना था, एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना था, तो मैंने 8 माइनस के साथ पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सो पहली टर्म तो सिंपल बन गई, दूसरी टर्म बनाने के लिए माइनस 2x को 8 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो रफ में करके देखा तो ये आ रहा था, x कॉमन ले लिया तो ये सिंपल टर्म बन रही है. सो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, अब यहाँ पर 2k माइनस 16, सेम फॉर्मेट की बनाओगे तो इजी रहेगा, अगर उल्टा पुल्टा लिखोगे तो वो कंफ्यूजन प्रोसेस कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करेगा. लास्ट है k इंटू 8 माइनस के, सो 8 माइनस के इंटू के, यही आएगा हमारे पास. सो इसको हम एज इट इज इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. सो साइंस हम अब चेंज करेंगे और ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई. सो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, 4k माइनस 25 और 2k माइनस 16, माइनस करना है इन दोनों को. सो यहाँ पर माइनस करके देख लो, 4k माइनस 25, ठीक है, माइनस 2k, माइनस करना है ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 16, ये बन गया आपका x का टर्म. यहाँ पे 4k माइनस 2k 2k हो गया, माइनस 25 प्लस 16,
माइनस नाइन रह गया, ठीक है। सो टू के माइनस नाइन, सो टू के माइनस नाइन एक्स आ गया। और दूसरी तरफ प्लस का टेन माइनस एट माइनस के इंटू के, यही रहेगा हमारे पास यहाँ पर, प्लस का टेन माइनस एट माइनस के इंटू के। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स रह गया है, तो टर्म छोटी हो गई है, मतलब इसकी पावर छोटी है, तो आई कैन नॉट सॉल्व फर्दर। सो मेरा ये डिवाइड करने के बाद ये इसका आ रहा है रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो हमें एक क्वेश्चन में भी गिवन था, क्या गिवन था, एक्स प्लस ए। इसको और इसको क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर देखो मैंने ये रिमाइंडर को इज इक्वल टू एक्स प्लस ए के साथ इक्वेट कर दिया है। ये रिमाइंडर मेरे पास आया था, एक रिमाइंडर मुझे क्वेश्चन में गिवन था एक्स प्लस ए, तो ये रिमाइंडर मैंने इस तरह से लिख लिया। अब एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ अगर कंपेरिजन करें तो इसके आगे क्या है, वन है। सो वी गेट टू के माइनस नाइन इज इक्वल टू वन। सो इसको सॉल्व करोगे तो टू के टेन आ गया, सो के की वैल्यू सिंपल आ गई 5, ओके। सो k की वैल्यू निकल आई है, अब a की वैल्यू निकालनी है, तो ये a की वैल्यू के साथ a की वैल्यू को कंपैरिजन कर दो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपैरिजन करना है, मैं उस साइड सॉल्व कर रही हूँ। सो 10 माइनस एट माइनस के इंटू के को a के साथ इक्वेट कर दिया, और k की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 5 आ रही है, इसमें पुट कर दो। सो 10 माइनस एट माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर 10 माइनस 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए। सो 10 माइनस 15 इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप बहुत सारी और भी बुक्स लेके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।